News 18, India. उधर बिहार की राजधानी पटना में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 8.5 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक 12 अधिकारियों की एक टीम ने उनसे 60 सवाल किए। एक रोज पहले इसी मामले में लालू यादव से भी ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि खुद तेजस्वी यादव को हाथ जोड़कर अपने समर्थकों से शांत रहने और रास्ता देने की अपील करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:15 बजे तेजस्वी यादव का काफिला ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचा, लेकिन उनके काफिले को देखकर आरजेडी के समर्थक आपे से ही बाहर हो गए। उन लोगों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी को घेर लिया बल्कि उनके समर्थन में वहां नारेबाजी भी शुरू कर दी। हालांकि वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी भीड़ को संभालने में उनके पसीने छूट गए। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। इसके बाद खुद तेजस्वी यादव कार से बाहर निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से हटने की अपील की। वो बार बार अपने समर्थकों को आगे से हटने के लिए इशारा करते भी नजर आए, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव को पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह ईडी ऑफिस के अंदर पहुंचाया, लेकिन पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर सियासी घमासान मच गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में सत्ता बदलते ही पार्टी के नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया गया है। और आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि इस सारे खेल के पीछे बीजेपी है। जब जब सरकार जाती है और चुनाव आता है, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। ईडी कहां जाती है जहाँ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कानून को जहाँ ताक पे रख दिया जाता है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई लोग आरोपी हैं।